जहां दिल्ली के अधिकांश होलसेल बाजारों के व्यापारी संगठनों ने स्वयं ही बाजारों को 14 जून तक बंद रखने की घोषणा की है, वहीं उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर क्षेत्र के दुकानदार संगठनों ने भी बाजार को भी ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से खोलने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से क्षेत्र में कोरोना पेशेंट की संख्या 50 का आंकड़ा पार कर गया है, लेकिन दुकानें व बाजार में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो। शास्त्री नगर दुकानदार कल्याण समिति के प्रधान अशोक अग्रवाल व शास्त्री नगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि किशन गुप्ता द्वारा सुझाए गए प्लान की गंभीरता को दुकानदार व लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में हालात काफी खराब हो सकते हैं। प्लान के मुताबिक कैटेगरी के हिसाब से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने का समय है, लेकिन रात 8 बजे तक भी यहां कई दुकानें खुली रहती हैं। वहीं रेहड़ी पर सामान बेचने वालों पर भी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। लोगों का हुजूम भी सड़कों पर उमड़ पड़ता है, जिसके कारण यहाँ तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। सूत्रों के मुताबिक यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इस क्षेत्र को कैंटोनमेंट जोन में तब्दील कर पूरा इलाका ही सील कर दिया जाएगा।